अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। हमेशा अपनी फैमिली से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार और अभी टाइम तकरीबन 11 बजे का है। आज काम बहुत सारे हैं इसलिए हम लोग जल्दी नाश्ते के फौरन बाद जो है बाहर आ गए हैं। सबसे पहले हमने बाजार जाना है, बाजार से हमने 2-3 काम करने हैं। वहाँ की मैंने वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि लास्ट ब्लॉग भी मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी, सो इसलिए मैंने आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। जस्ट हम लोग ने शॉपिंग की और उसके बाद जो है हम लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए निकल आए हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हमें करना है ट्रैवल। तो इस वजह से ना हमने कहा कि हम वैक्सीनेशन कम्प्लीट करवा लेते हैं क्योंकि फर्स्ट डोज तो हमें लगी हुई है और वैसे भी ना हमारी सेकंड डोज की डेट आ चुकी है, तो हमने सोचा कि यहीं से लगवा लेते हैं। कराची जाके भी तो लगवानी ही है, तो इसलिए जो है ना हम लोग आ गए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ के थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद हमारी अकल थोड़ी काम करेगी कि हम अंदर जाके पता कर लें कि आज वो डोज लग भी रही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी साइनोफार्म लग रही होती है, कभी मॉडर्ना लग रही होती है, तो इसलिए जो है ना हमारी अकल ने थोड़ा काम किया, जाके पता कर लेते हैं। तो और हमने पता किया तो पता चला कि भाई आज मॉडर्ना नहीं लग रही है, साइनोफार्म लग रही है। तो मुझे तो नहीं लगवानी थी साइनोफार्म, मुझे मॉडर्ना लगवानी थी। सो इसलिए हम लोग वापस आ गए और हमने सोचा कि अब हम कराची जाके लगवा लेंगे या तो फिर ऐसा करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो लगवा लेंगे, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आज हमने वाला ड्रेस पहनना है फिर से क्योंकि इतने दिन से हम पंजाब आए हैं, हमारे पास कपड़े ख़त्म हो गए और जाने लगे हैं बाहर। मुझे हमने करनी है शॉपिंग। आप ही नहीं आए? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस और वापस जाते हैं मैंने बस कपड़े चेंज करने और उसके बाद जो है वो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर देनी है क्योंकि दिन हमारे पास है नहीं और मैंने अभी तक पैकिंग की नहीं है। हालांकि जब मैंने पंजाब आना था ना तो मैंने पैकिंग 1-1.5 हफ्ता पहले ही स्टार्ट कर दी थी, खुशी थी पंजाब आने की। अब कराची जाने की उदासी है तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं कर रहा पैकिंग करने का। बस पैकिंग करनी तो है, वापस घर तो जाना ही है। जब आपके अपने और आप अपनों से दूर जा रहे हो ना तो वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं
और जब आप ही लोग आते हैं, एक डेढ़ महीना रुकते हैं घर में, बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, घर भरा भरा लगता है। और जब लोग वापस जाते हैं तो ऐसी उदासी से छा जाती है, रो रो के मैं वो दिन गुजारती हूँ जब वो लोग जाते हैं। और शायद ये फीलिंग से वही लोग समझ सकते हैं जिनके अपने उनसे दूर हैं। मेरी अपनी बहनों के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और जब मैं कहीं बहनों बहनों को इकट्ठा देखती हूँ ना, तो अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, उनकी कमी बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। बस और कुछ कर भी नहीं सकती, उनके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे और सबकी बहनों को हमेशा खुश रखे उनके घरों में। सो मामीन, तो बस बातों बातों में हमारी पैकिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, और बस मेरा ब्लॉग बस इतना सा ही था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।